हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग बारह बजने वाले हैं बच चुके होंगे गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून और पहले मैंने यहाँ पे बाला भाभी के बर्तन खाली किए हैं वो रात खाना दे के गई थी और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ रोटी भी बनेगी क्योंकि बच्चे आ चुके हैं पंद्रह मिनट हो गए होंगे उनको आए हुए उनका आटा बाहर निकाला और रोटी दूंगी उनको लेकिन अभी आटा बाहर निकाला तो एकदम तो नहीं दूंगी दस पंद्रह मिनट आटा बाहर रखना पड़ेगा बनेगी नहीं मैं निकाल रही हूँ बेसन मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू बेसन रखा हुआ ये सारे बेसन के बना लेती भी चाहिएगा घी खेडा नहीं आजकल जमा रहता है ना आजकल खिंडने नहीं करना तो नहीं होता ना। ये थोड़ा सा उसमें आया नहीं था तो इसमें निकाल लिया था तो इस सारे के बनाऊंगी अभी मैं पहले बेसन छान लेती हूँ बूरा छान लेती हूँ फिर शुरू करूंगी आगे का कर काम तो बनाने इजी हो जाते हैं गांठ नहीं पड़ती छान करके बनाओ अब करेंगे लड्डू बनाना स्टार्ट तो कढ़ाई गर्म हो गई है उसमें मैंने घी डाल दिया है घी मतलब अभी डाला नहीं है ये इस डब्बी में था ना तो ये पिघलेगा तो मैंने इसलिए उल्टी करके रख दी थी फिर ये निकलता नहीं तो मैंने चम्मच ही ले ली मैंने कहा चम्मच ले लेते हैं आजकल ठंड है ना तो घी बिल्कुल जमा रहता है उतना तो नहीं जमा हुआ था क्योंकि जो असली घी होता है ना वो बिल्कुल पत्थर की तरह भी नहीं होता है थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट तो वो रहता ही है तो यहाँ पर जो है मैंने इसको डाल दिया कढ़ाई में सारा घी डाल दिया मैंने पूरा एक आपने देखा जिसमें कुजी सी थी, थी ये घी की पूरी थी लगभग तो अब मैं उसी से ही नापूंगी बेसन तो मैं इसमें जो है हाथ से बेसन डाल लूँगी क्योंकि जिस बर्तन से आप लड्डू का नाप कर रहे हैं बनाने के लिए और ये नाप भी मैंने आप लोगों की वजह से किया है वरना मैं अंदाजे से कर लेती क्योंकि कुछ लोग ना फिर पूछते हैं कि रश्मि हमें भी बता दो कैसे आपने कौन सा बर्तन कितना क्या लेना है तो देखो जिससे आप घी ले रहे हो मान लो कि एक कटोरी आपने घी लिया है तो कम से कम ढाई कटोरी के करीब जो है बेसन लेना है लेकिन ढाई कटोरी दबा दबा के बेसन मत ले है ना मैंने दबाया नहीं है देखो सिर्फ उसको भरा है और डाल दिया है अगर मैं दबाती तो शायद ये दो कटोरी भी पूरा ना होता क्योंकि दबाने से आटा बेसन कुछ भी हो सूखी चीज़ वो और जाती है 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 ना तो आपको उसको भरना है, दबाना नहीं है तो ढाई कटोरी बेसन ले लेना है और उसी से नाप के आपको डेढ़ कटोरी बूरा ले लेना है तो एक कटोरी जिससे आप एक कटोरी ले रहे हो घी डेढ़ कटोरी उसी से नाप के बूरा और ढाई कटोरी उसी से नाप के बेसन बस परफेक्ट बनेंगे बढ़िया बनेंगे उसको अच्छे से भून लीजिए ड्राई फ्रूट डालने हैं तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट को बस आपको क्या करना है हल्का सा उसको घी में भूनिए उनको कूटिए और जब लास्ट में लड्डू बनाएंगे तब डाल दीजिए तो अभी जो सबसे मेन काम है वो है बेसन को घी के साथ भूनना जब आप बेसन को घी के साथ एकदम डालेंगे तो वो टाइट टाइट लगेगा आपको ऐसा लगेगा यार ये तो चल ही नहीं रहा मुझे भी लगा था लेकिन जैसे ही वो उसमें थोड़ा सा मिलना शुरू होगा थोड़ा भुनना शुरू होगा तो वो सॉफ्ट होता था जाएगा अब आप देख रहे होंगे इसका टेक्सचर चेंज होता जा रहा है अब ये आराम से चलाया जा रहा है आराम से हमारा हाथ भी नहीं दुखेगा स्टार्टिंग में हमारा हाथ दर्द करेगा क्योंकि ये एकदम से उसके साथ जो है टाइट टाइट सा हो जाएगा अभी और चलाएंगे और भुनेंगे तो ये और ज़्यादा चेंज हो जाएगा ये देखिए अब ये और ज़्यादा ऐसा लिक्विडी लिक्विडी सा हो गया तो बस आपको इसको चलाते रहना है छोड़ना नहीं है छोड़ेंगे तो ये जल जाएगा और आपको इसे तेज आंच पे नहीं पकाना है कम से कम पंद्रह सोलह मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम रखनी है ना लो एकदम ना हाई मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसको भूनना है पंद्रह सोलह मिनट फिर इसका कलर ऐसा हो जाएगा पीलेपन से ये गोल्डन गोल्डन सा मस्टर्ड सा कलर कुछ इस टाइप का हो जाएगा देखो बढ़िया वाला और खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी जब ये भुनना शुरू होगा पूरे घर आपका ऐसी प्यारी सी इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना आप बच्चे भी बोलेंगे अरे क्या में? क्योंकि मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मी खुशबू आ रही है मैंने कहा बेसन के लड्डू बन रहे हैं तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया है अब इसको क्या करना है ना भून के उतार देना है कढ़ाई को तो मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है सर्दी है जल्दी ठंडा हो जाएगा यहाँ पे मैंने बूरा निकाला हुआ है बूरा डाल दूंगी इसमें बूरा मैंने जिस जिस कटोरी का नाप लिया था जो ये सवा दो कटोरी बेसन हो रहा था उसके हिसाब से मैंने डेढ़ कटोरी बूरा लिया है ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं काजू बादाम अच्छे लगेंगे किशमिश वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ मैं खाली बना रही हूँ जबकि है भी पर मैं नहीं डाल रही ठीक है बस घी बूरा बेसन तीन चीजों से और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं इधर जो है सब्जी गर्म कर रही हूँ रोटी बनाने लग रही हूँ तो बच्चों को रोटी देती हूँ अब जो है लड्डू बनाने शुरू करेंगे ये देखिए इसमें मैंने बूरा मिक्स कर दिया है बूरा डाल देंगे मैंने आपको नाप पहले ही बता दिया है मैं फिर से दोहरा देती हूँ आपको ढाई कटोरी बेसन नापना है उसी कटोरी से जिससे आपने एक कटोरी घी लिया है और उसी कटोरी से नाप के डेढ़ कटोरी आपको बूरा ले लेना है बस ये करना है कि बेसन और घी को पहले मिक्स कर लीजिए भून लीजिए बेसन और घी को फिर जो है उसको ठंडा होने दीजिए पूरी तरीके से फिर उसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालने हैं आपको भून के कूट के वो डाल दीजिए बूरा दीजिए बस फिर लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए अब लड्डू बनाने में क्या हुआ ना कि मैंने कर दी थोड़ी सी जल्दबाजी ये हल्का सा गुनगुना था मैंने बूरा मिक्स कर दिया और लड्डू बनाने शुरू कर दिए एक तो हमारे तनमे को मीठे का बहुत शौक़ है तो वो मम्मी लड्डू दे दो मम्मी लड्डू दे दो तो मैंने जब बूरा मिक्स किया हल्के गुनगुने में तो वो थोड़ा सा लिट पिटासा टाइप का हो गया जैसा आप देख पा रहे हैं अभी इस टाइप का हो गया मैं दोबारा दिखाती हूँ ये मैंने क्या करा था थोड़ी देर फ्रिज में रखा था तभी ये हल्का सा टाइट हुआ लेकिन अभी भी ये लिटपिटा सही है देखो मैं लड्डू बना के दिखाऊंगी बिल्कुल भी शेप नहीं आएगी बिल्कुल भी बहुत ही गंदा सा लगेगा मतलब लड्डू है खा लो लेकिन देखने में जो चीज़ होती है ना वैसे नहीं लगेगा अभी मैं आपको दिखाऊँगी बहुत ही ऐसे लगेगा गिल गिला टाइप वाला जैसे ये गिर जाएगा हाथ से बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है उस टाइप का ये देखो लग रहा है ना मैं भी दिखाऊँगी हाथ में लेके दोबारा से ये फिर मैंने क्या करा इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया दस मिनट के लिए फ्रीजर में नहीं फ्रिज में या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए अपने आप ही जो है ठंड का टाइम है अगर आपके यहाँ ठंड नहीं है तो आप फ्रिज में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए लेकिन ज़्यादा देर के लिए मत रखिएगा इसमें पानी सा आ जाएगा फिर मैंने इसके लड्डू बनाने शुरू करे दस मिनट ठीक दस या पंद्रह मिनट इससे ज़्यादा मैंने फ्रिज में नहीं रखा फिर जब लड्डू बनाए तो देखिए एकदम बढ़िया परफेक्ट लड्डू आएंगे और वो वाला लड्डू मैंने उसी में डाल दिया क्योंकि वो मुझे वैसा नहीं रखना था अच्छा सा गोल गोल सा दिखने में होना चाहिए लड्डू दिखने में लग, अच्छा लगना चाहिए पता है कोई भी चीज़ दिखने में अच्छी लगती है ना तभी मन करता है हाँ यार, यार ये टेस्टी है इसको हमें खाना है फिर मैंने तनमे को डांट भी दिया था कि थोड़ी देर बैठ जाओ चुपचाप अब, अब मैं बना दूंगी इस तरीके से तो नहीं डांटा थोड़ा हम वैसे डांटते हैं ना जैसे मम्मियाँ डांटती हैं इतने आराम से थोड़ी ना बच्चे सुनते हैं डांट दो तो फिर आपके बढ़िया लड्डू बनेंगे और अगर आप इसे ड्राई फ्रूट्स से मिक्स करते हैं तो और भी बढ़िया टेस्ट आएगा लड्डू बहुत टेस्टी बने थे बच्चों को बहुत पसंद आए भगवान जी का भोग लगाया पहले आज मंडे है तो मंडे का मैंने जो है मैंने कहा चलो महादेव को भोग लगा देते हैं मेरा व्रत भी है और मैं कोशिश करती हूँ जैसे कुछ मीठा बन रहा है ना तो मैं मैंने कहा चलो वैसे तो सारे दिन भगवान के हैं ऐसा नहीं है कि एक ही दिन भगवान का होता है यहाँ पर ये लड्डू बन गए थे तो मैंने कहा एक बार मैं आपको दिखवा दूँ गुड्डू को बुला लिया था मैंने क्योंकि मेरा तो हाथ जो है भंडा हुआ था लड्डू के आ, मिक्सचर में तो मैंने कहा गुड्डू आके थोड़ा सा दिखा दे मैं काजू दबा रही थी क्योंकि वो उठे उठे से लग रहे थे अब आप देखिए कितने बढ़िया बने हैं ना तो थोड़ी देर जब फ्रिज में रख देंगे ना आप लेकिन इसी समय वाले फ्रिज में रखिएगा मतलब नवंबर दिसंबर अगर गर्मी है ना बहुत ज़्यादा तब फ्रिज में रखेंगे तो तो बहुत देर के लिए रखना पड़ेगा आपको फिर गड़बड़ हो जाएगी तो आप ठंडा करिए पंखे में रख कर सबसे बेस्ट तो वही है चाहे आपके यहाँ ठंड भी है फिर भी क्योंकि घी है घी जम जाएगा आधे घंटे में एक घंटे में और बहुत लड्डू बन के आएंगे लड्डू बन चुके हैं एक एक बच्चों ने खा भी लिए हैं ये काजू लगा के इनकी और शोभा खराब हो गई तो अच्छे बने हैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था फिर ये अच्छे से वो जाते हैं आजकल है, आज है ना ये देखो मतलब थोड़ा जम सी जाएंगे ये ये वाले तो नीचे वाले पूरे जम गए ऊपर वाले अभी हल्के से पिघले पिघले हो रहे हैं शाम तक तो ये पूरे जम जाएंगे तो बेसन के लड्डू बन गए हैं देखने में टेस्टी लग रहे हैं मैं शाम को खाऊंगी क्योंकि आज मेरा व्रत है तो ये लड्डू बने हैं तो चलो आप शाम को टेस्ट करके देखेंगे बच्चों को तो पसंद आए दोनों को गुड्डू तन मैंने एक एक लड्डू खाया है अभी मैं इनको रख देती हूँ ढक के हम लोगों ने पहले ना इन, इन सारे सारे गमलों में प्लांट्स हुआ मतलब बहुत बहुत अच्छे अच्छे फूल हुआ करते थे है ना मम्मी लेकिन जब जब हमारे पास कुछ ज़्यादा ही काम और कुछ ज़्यादा ही वो हो गया तो फिर हमने इनका ख्याल रखना इनमें पानी डालना हम भूल ही गए तो अब देखो इनकी क्या आदत होगी और और अभी इनमें दोबारा नहीं हो सकते क्योंकि क्योंकि <laughs> क्योंकि तो जब कोई प्लांट के प्लांट में बहुत जल्द पानी दिया जा सकता उसमें अल्फा पकेट नामक नामक का पता नहीं क्या एक वायरस से घुस जाता है मतलब वायरस नहीं कुछ गंदगी सी हो जाती है उस उसके उस मटके पॉट में या फिर किसी में भी जिसमें हमने वो प्लांट टकाया हो तो, तो फिर अब हम इसमें अगर प्लांट डालेंगे पानी डालेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने का ये सेम टू सेम सेंट ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे तो अभी देखो मम्मी ने सारे के सारे कपड़े सुखाए हैं हैं मम्मी चलो अब हम नीचे चलते हैं नीचे नहीं मैं उधर जाऊंगी तो अभी हम दुकान में जा रहे हैं ओ चलो अरे वापस ना वापस ये गलती से भी ये देखिए नया स्टॉप आया है आज ना मैं आपसे पूरा दिन बात नहीं की मतलब दोपहर में जब मैं कपड़े उतारने गई थी एक रहा होगा या एक से दो के बीच का टाइम होगा मैंने देखा नहीं तब तन मैंने बनाया था जो वीडियो बनाया था वो भी इस चक्कर में बन गया क्योंकि मैं ऊपर अपना फ़ोन लेके गई थी मुझे थोड़ा सा काम था फिर मैंने वो काम किया और यहाँ देखो मैंने अपने आप को ही चोट मार ली अपने मुँह पे पता नहीं मैंने किस टाइम खुजाया ना न खून लग गया फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ कि व्हाट्सएप वगैरह देख रही हूँ कल से एक मैडम है जो मुझे बार बार मैसेज कर रही है रश्मि कलेक्शन नंबर पे मैं मानती हूँ वो मुझे प्यार करती होंगी इसीलिए मैसेज कर रही है मैं उसमें उनकी गलती नहीं बोल रही लेकिन मेरी भी तो गलती नहीं है ना मेरी मेरी गलती बताइए मेरी गलती कहाँ है एक तो एक तो ये बोलना उनका कि आपने नंबर क्यों दिया हुआ है अपना फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नंबर दिया है तो बात करो यार मैंने नंबर बात करने के लिए थोड़ी दिया है मैंने कौन से वीडियो में ऐसा बोला है कि आप मैंने नंबर दिया है और आप मेरे से बात करो उस नंबर पे तो तो मेरी गलती है वो नंबर मैंने तो जो है मेरा बिजनेस नंबर है उससे मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ बिजनेस करती हूँ मैं अब मैंने चलो रात उन, उनके मैसेज कॉल मैसेज कॉल उस टाइम हमारे ऑर्डर्स चल रहे हैं पैकिंग चल रही है एड्रेस निकालने हैं सब इसी फ़ोन से हो रहा है सब इसी फ़ोन से चेक किया जा रहा है तो उस टाइम विपिन के पास फोन था विपिन ने कहा इनके कॉल बो मतलब काम नहीं हो पा रहा था क्योंकि जैसे कॉल आता फिर वो मैसेज कॉल आने लगता है फिर बैक करो फिर कॉल आने लगता है फिर बैक करो वैसी कॉल्स तो हमने बंद की हुई हैं व्हाट्सअप वाली ऑन है तो मैंने उनको मैसेज कर दिया मैम प्लीज़ अभी हम बिजी हैं प्लीज़ आप जो भी बात करनी है व्हाट्सअप पर लिख दो तो मैं जवाब दे दूँगी नहीं मेरे को आपसे बात करनी है कॉल पर बात करनी है तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कल कर लूँगी मैंने उनको लिख दिया चलो भाई इतना बंदा बोल रहा है इतना वो कर रहा है अभी मैं काम कर लूँ मैं कल कर लूँगी अब जैसे आज का दिन हुआ तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं रहा कि मैंने ऐसे किसी को बोला है मैं बात कर लूँगी कि भाई मैं तो मम्मी से भी मेरी दो मिनट मतलब मैंने कई बार आपसे ये बात का जिक्र किया है यहाँ आप खुशी रहती है ना तो मैं खुशी को बोलती हूँ मैंने कहा तू देखती है खुशी मैं कितना बात कर पाती हूँ क्योंकि पहले मैं उनसे भी भूमि है भूमि से ये देखो गुलाब जामुन आ गए बच्चों को दो मना कर रहे हो तो कोई भी नहीं खा रहा दो दो मैं थोड़ी खाऊंगी नहीं खा ले यार। नहीं मैं दो नहीं खाऊंगी चले खा ले तो आ, मतलब फिर मैंने कहा देख यार हाँ जैसे देखो पहले जैसे खुशी को भी ये लगता होगा कि मामी फ़ोन वोन नहीं क्योंकि मैं व्हाट्सएप कर लेती हूँ आज भी मैं शानू का व्हाट्सअप वगैरह कर लेती हूँ मेरे से बात नहीं होती मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पाती हूँ ठीक है तो भाई क्या नाम है मैंने फिर सुबह उनके मैसेज देखे सुबह के दोपहर तो का ही टाइम होगा जब मैं ऊपर गई थी जब मैं फ़ोन देख पा रही थी तो मैंने देखा मैंने कहा अच्छा चलो कॉल इससे पहले मैं उन्हें कॉल करने का सोचे ही थे ना उससे पहले मैंने क्या देखा वो मुझे इतने बड़े बड़े मैसेज मतलब सुना रही हैं मुझे इतनी गंदी लैंग्वेज में यार इतनी गंदी लैंग्वेज में इतनी मतलब ऐसी तू ऐसे तू वैसे तू ने क्यों मैंने कहा यार मतलब अगर मैं इनसे बात कर लेती मैं उस टाइम मैंने फ़ोन में उनका मैसेज मैंने अरे इनका मैसेज मैं कहा चल मैं इनसे बात करूँगी मैंने उनको बोला था इतने में उनके जो मैसेज उन्होंने पीछे छोड़े हुए थे बाय लिखने के से पहले वो भाई साहब तो मैंने उनको ये लाइन लिखी भी कि अगर मतलब मैं आपसे बात कर लेती तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी थी बहुत प्यारी थी बहुत बढ़िया थी और मैं आपसे बात नहीं कर पाई तो आपने मेरे को इतने लंबे चौड़े मैसेज लिखती दिए इतनी और भाषा ऐसी थी ना मतलब भाई मैंने कहा यार मैंने उनको कुछ नहीं बोला मैंने कहा चलो ठीक है ओके ऐसे ना पहले भी बहुत बार हुआ था जब ये जो मेरा बिजनेस नंबर है मैंने दिया था तो उस टाइम तो बहुत हुआ था इस तरह की चीज़ें बहुत सारी लेकिन अब नहीं होती थी अब ये यही हुई है अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना ऐसे किसी के साथ भी नहीं होता हाय हेलो हाँ, करते हैं कई बार पता है मेरे से अगर मैं जैसे भाई मेरे पास टाइम है तो किसी ने मेरे से पूछा रश्मि अपनी लिपस्टिक की फोटो भेज दो मैं उनको फोटो भेज देती हूँ अगर मैं बैठी हूँ उस टाइम फोन हाथ में है तो मैंने कहा चल भेज देती हूँ रश्मि अपने नेल पेंट का उसका भेजना तो मतलब ये अभी की बात नहीं बता रही मैं इस इन जब से ये नंबर गया उसके बीच ही मैं बता रही हूँ किसी ने मेरे से बोला रश्मि अपने वो जो सूट की स्लिप्स है ना उसकी भेज दो अगर मैंने उनको लिखा ना ओके अभी तो मैं बिजी भेज दूंगी फिर जब उन्होंने अगली बार मैसेज किया तो मैंने कहा यार मैंने इनको ओके बोला था उस दिन आज भेज ही देती हूँ हाँ जिन्होंने याद दिलाया या किसी ने बोला अपने मंगलसूत्र की फोटो भेज दो कितने लोगों को मैंने भेजी है तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं मतलब सिर्फ अपने बिजनेस के लिए जो लोग करते हैं पूछते हैं कितने लोग जैसे किसी चीज़ की रेसिपी पूछने लगते हैं कि रश्मि तुमने दही बल्ले कैसे बनाए थे या टिक्की में कितना रोट डालना था कितने लोगों का ऐसे भी हैं जिनके मैं बाद में देखती हूँ जब तक वो रेसिपी बना चुके होते हैं तो वो हंसते भी है कि अब क्या बता रहे हो अब तो हो गया तो ऐसा नहीं है कुछ लोग बहुत सारी बातें करते भी हैं तो वो बातें भी होती हैं कई बार बहुत सारे लोगों से लेकिन ऐसा हुआ ना मैंने कोई और मतलब उनकी जो भाषा थी ना उनके जो शब्द थे अब तो खैर मैं देखो इन सारी चीज़ों को ना इतना सब कुछ देख चुके हैं कि अब वही वाली बात है कि अब चीज़ों से ना वो नहीं होता अब जैसे कल मैं और विपिन गाड़ी में बात कर रहे थे तो पहले मुझे विपिन की बातें भी हर्ट करती थी ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं इनके पास टाइम नहीं है तो ऐसे होता था पहले लेकिन अभी क्या है ना अभी उन सब चीज़ों से आगे निकल गए अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से या तो यूँ कह लो कि हम समझदार होते जा रहे हैं या फिर जो भी है मतलब लेकिन अभी वो सब चीजें नहीं होती तो अभी क्या है ना मैंने कहा चलो ठीक है लिख दिया लिख दिया यही मेरे बाल कितने अच्छे हो रहे हैं मैं सोची तब से ये बात आपके साथ करूं ना करूं करूं ना करूं सच में यार बाल बहुत अच्छे हो रहे हैं बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं मतलब हाथ डालो ना ऐसे पता चल रहा है बाल तो मेरे अच्छे हैं और मेरे बाल पता है क्यों अच्छे हैं किसी शैम्पू और तेल लगाने से ज़्यादा ये अच्छे इसलिए हैं क्योंकि मेरी मम्मी के बाल बहुत अच्छे हैं ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आपके जन्म से मिलती हैं आपके मम्मी पापा से मिलती हैं तो वो ये चीज़ें होती हैं जैसे गुड्डू के बाल भी इसीलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरे बहुत अच्छे हैं मेरे बढ़ते बहुत जल्दी हैं आप लोगों ने देखा होगा मैंने मार्च में यहाँ तक करा लिए थे दो साल पहले और दो सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है जबकि भी दो साल हुए भी नहीं और मेरा ध्यान बार बार अपनी इस चोट पे जा रहा है विपिन कह रहे कैसे नखून मारा तुमने सुबह देख रहे थे ये सुबह तो यहाँ ब्लड जमा हुआ था ना पता नहीं रात मच्छर की वजह से मच्छर तो नहीं काटा ये मैंने ऐसे कर लिया और मेरी आज एक शॉपिंग हुई है रश्मि कलेक्शन में साड़ी जो है मैंने ऐड करने के लिए सैंपल मंगाए थे तो कुछ साड़ियाँ मेरी निकल गई उसमें जो है कुछ क्या साड़ी निकल गई एक साड़ी बची जो जिम्मी चू साड़ी चल रही है वो आ, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी अगर आप लोग बोलोगे आ, वाइन कलर की जो मैंने अपने लिए रखी है और एक सूट अपनी कलेक्शन में से रखा है मैंने वेलवेट का काफी महंगा सूट है प्यारा सूट है मतलब मेरी शॉप का तो वो इतना महंगा भी नहीं अगर मैं मार्केट से लेती तो तो वो मुझे साढ़े तीन से चार हजार के बीच में पड़ता है रश्मि कलेक्शन से है तो वो कम प्राइस में ही है क्योंकि वेलवेट में भी ना दो वेराइटी होती है दो क्वालिटी होती है अभी पता चल रहा है सारी चीज़ों का तो वैसे तो वो सत्ताईस क्योंकि मैं विपिन से पे कराती हूँ अपनी कलेक्शन के पैसे भी ऐसा नहीं कि भाई फ्री में रख लिया क्योंकि एक सूट ही अपने घर में रह गया ना उसी से जो हमारी बचत थी वो सब खत्म हो जाती है पूरे कितने पीसीस की एक या दो पीसीस की नहीं कितने सारे पीसीस की बचत हमारी पहले नहीं करते थे हम ऐसे लेकिन पिछले डेढ़ दो सालों से मैं ये चीज करने लगी हूं कि अगर घर में हम मैंने लिया है मैं किसी को दे रही हूँ तो मैं उसके पैसे जो है विपिन से या मैं खुद अपने पास से कराती हूँ तो ये वाले मैंने विपिन से कराए थे कितने किए थे आपने सत्ताईस सौ निन्यानवे सत्ताईस सौ निन्यानवे हाँ जितने का वो सूट हम सेल कर रहे हैं उतने का ही मैंने इनको बोला एक रुपया भी कम नहीं किया क्योंकि पहले से ही मैंने कहना हुआ है बहुत सुंदर सूट है विपिन दिखाना उठा के जरा मैं थोड़ा सा तो दिखाई दूँ मैं नीचे ले आई थी विपिन ने दिलाया है विपिन की पसंद का है और थोड़ा सा खोल के दिखाऊं क्या चलो इसका दुपट्टा दुपट्टा दिखा देती हूँ निकालना दुपट्टा दुपट्टा इसका रश्मि कलेक्शन में जाएगा ये वाले सूट और भी हैं ये सिर्फ एक ही नहीं है वेलवेट का बहुत 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 अच्छा कलेक्शन आया है आप लोग चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में ये वाले का तो मैंने प्राइस बताई दिया है सत्ताईस सौ निन्यानवे वाले हैं ये वाले ये ब्रासो में इसका वेलवेट वेलवेट भी है और ये जॉर्जेट भी है ब्राशों जिसको बोलते है ना उस पे है ये सारा शॉल शॉल नहीं है इस तरीके से इसमें और भी कलर है मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि ब्लू लू मरून लू वाइन लू ब्लैक लू ग्रीन लू मैं कलर में कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें एक ब्लू दूसरा भी है जो बहुत सुंदर सा है जो बोलते ना दो